अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा गिरते हैं, अगर आपको बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ होने की वजह से आपके बाल गिरते हैं, आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, आपका हेयर का जो वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज के DIY। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप घर पे अनियन शैम्पू कैसे बना सकते हो। अनियन के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है सल्फर, जो आपके हेयर की रूट के अंदर जाके आपके हेयर की रूट को स्ट्रांग बनाता है, आपके हेयर के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करता है अनियन शैम्पू। अगर आप शैम्पू को रेगुलर यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपकी जो हेयर की ग्रोथ होगी वो बहुत ही जल्दी मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिनको प्रॉब्लम है दो मुहे बाल की, तो उसके लिए भी शैम्पू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अनियन शैम्पू बनाने के लिए आपको जरूरत होती है अनियन जूस की। आप कोई भी तरह का अनियन ले लो, इस अनियन का हमें जूस निकालना है। जूस निकालने के लिए आप चाहो तो इसको मिक्सी में पीस सकते हो, या फिर इमाम दस्ते में इसको कूट के इसको क्वीज आउट करके भी इसका जूस निकाल सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज करेंगे लिक्विड सोप बेस, जो SLS फ्री एंड पैराबिन फ्री होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनियन जूस। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो भी ये प्रोसेस को करोगे उसको आपको ग्लास के बोतल या फिर ग्लास के जार के अंदर ही करना है, क्योंकि हमें इसको फर्मेंट करने के लिए 15 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब अनियन जूस एंड लिक्विड सोप बेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इस बोतल को आपको कोई ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो, जहाँ पे सनलाइट ना पड़ती हो। इस शैम्पू को फर्मेंट करने के लिए 15 दिन के लिए आपको कोई डार्क प्लेस पे रखना पड़ेगा। 15 दिन के बाद आपका जो अनियन जूस था वो पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका होगा, जिसकी वजह से इसके जो गुण थे वो कहीं गुना बढ़ चुके होंगे। अगर आप इस शैम्पू को ऐसी डायरेक्टली यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल करता है। इसके अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपके बालों को ड्राई करने का काम करता है, तो बालों की जो ड्राइनेस है उसको खत्म करने के लिए, ज्यादा आपके बाल ड्राई ना हो उसके लिए, हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आप मिक्स कर लो। उसके बाद फ्रेग्रेंस के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल। अपने हेयर की कंडीशन के हिसाब से, आपके हेयर ऑयली है, ड्राई या फिर नॉर्मल है, उस कंडीशन के हिसाब से आप इसके अंदर कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूंगा नीलगिरी का एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल एंड लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तीनों ऑयल को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एंड फाइनली हमारा बन के हो गया अनियन शैम्पू। इस अनियन शैम्पू को जैसे आप नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो उसी तरह से आपको इसको यूज करना है। इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा है। हेयर से जुड़ी आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी उसको एक खत्म करने के लिए शैम्पू सक्षम है। आपको कितना भी पुराना डैंड्रफ होगा, अगर ओनली 15 से 20 दिन इस शैम्पू का यूज करोगे तो आपको जो डैंड्रफ है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है उसको भी ये खत्म करेगा, आपका जो हेयर का ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, आपका जो हेयर का वॉल्यूम है उसको भी ये बढ़ाएगा। जिनको शिकायत है टक्कलपन की, तो हेयर रीग्रोथ में भी ये बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है। इसके अलावा आपकी बालों की रूट को स्ट्रांग बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।